हमारी सोप है जो निकल जाती है। देखिए कितना मस्त कलर आया है इसका, और इधर से देखिए ये पूरा दिख भी रहे हैं। इसमें जो हमने ऑरेंज और लेमन डाला था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए ध्यान से देखिए आप कितनी अच्छी ऐसे मस्त ट्रांसपेरेंट है। देखिए देखिए मैं आपको ये यूज़ कर कर दिखा रही हूँ, और इसकी झाग कैसे बनती है आपको वो भी दिखाती हूँ मैं अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छा, मतलब इसको अगर हम यूज़ करने लग जाए ना एक बार, तो बस फिर इसकी आदत ऐसी पड़ती है ना कि कुछ अच्छा ही लगता है इसके बाद। तो इसलिए मैंने अपने फेस वॉश वगैरह सब छोड़ रखे हैं, तो अभी मैं सिर्फ यही सोप यूज़ करती हूँ। हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम घर पर ही बनाने वाले हैं जी स्किन वाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग हर्बल सोप, विटामिन सी सोप हम घर पर ही बनाएंगे आज। एक्चुअली मेरा ना पहले वाली जो सब सोप्स बनाई हुई थी मैंने सब खत्म हो चुकी है, तो अभी मैंने सोप बेस भी ऑर्डर कर कर मंगवा लिया है। कुछ लोगों को ये अपने मेरे कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं मुझे कि सोप बेस हम किधर से मंगवाएं, कितने का आता है, मतलब इसका प्राइस क्या है। तो आज की वीडियो में मैं सब वो बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। जो लोग मेरी ब्यूटी टिप्स देखकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी मेरी ब्यूटी टिप्स वगैरह देखकर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। क्योंकि एक्चुअली आजकल क्या है ना, मेरे ये वाले चैनल पर थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग भी साथ साथ में शुरू की है मैंने, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स का कहना था, उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि आप साथ साथ में ब्लॉगिंग भी डाला कीजिए। इसीलिए मैंने जी मेरे ये वाले चैनल पर थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग भी चालू कर दी है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक चैनल है कुकिंग का, तो दो दो चैनल ना मुझे मैनेज करने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग का चैनल अलग से नहीं बना सकती थी। तो फिर तीन चैनल हो जाने थे तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि मेरे वो कुकिंग चैनल पर भी मुझे टाइम नहीं मिलता रेगुलर वीडियोस डालने का। उसमें भी मैं हफ्ते 10 दिन में एक आध वीडियो डालती हूँ, लेकिन ये वाले चैनल पर मैं एक्टिव रहती हूँ, डेली एक व्लॉग मैं डालती हूँ। तो इसीलिए प्लीज आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे साथ मेरी ब्यूटी टिप्स को लेकर जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरा चैनल मेरी ब्यूटी टिप्स के वीडियोस देखकर सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं साथ साथ में ब्यूटी टिप्स भी शेयर किया करूंगी आपसे आपके साथ। तो ये है जी हमारा सोप बेस, इसकी पैकिंग देख लीजिए आप अच्छी तरह से। उन लोगों ने ये रैप कर कर दिया हुआ है प्लास्टिक में, और ऊपर की पैकिंग इसकी ये थी। और देखिए जी ये है पूरा 1 किलो का पैक, मतलब 1 किलो है इसका वेट सोप बेस का। तो ये मुझे जी पड़ी थी 220 रुपीज़ के करीब पड़ी थी, और अगर देखा जाए ना इसमें से पूरी 10 to 12 सोप्स इजिली ये बन जाएगी अगर हम नॉर्मल साइज की बनाएंगे। तो इसमें से अभी मैं 3 से 4 सोप्स ही बनाऊंगी अपने लिए, बाकी का मैं ऐसे ही पैक कर कर रख दूंगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होता ये। अगर हम किधर भी, मतलब कोई भी जगह पर रखें, उसका ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जो पहले ऑर्डर किया था ना वो मेरे पास 2 से 3 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा था बाहर ही, कोई इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, तो ये खराब नहीं होता। तो बाकी का हम देखिए इसको अच्छी तरह से रैप कर कर रख देंगे। तो चलिए जी अभी एक्चुअली मैंने ये एक बात बताना आपसे भूल ही गई मैं। तो मैंने ये मंगवाया था जी मीशो से, मीशो ऐप है ना जो, उधर से मैंने ये ऑर्डर किया था। लास्ट टाइम भी मैंने उधर से ही ऑर्डर किया था। आप चाहो तो किधर से भी कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जिधर देखो ये पहले ही मिल जाता है हमें सोप बेस। अगर ऐप को जब भी हम खोलेंगे ना तो ये सोप बेस की फोटोज पहले आ जाती है, क्योंकि मैं ये सर्च करती रहती हूँ, शायद इसकी वजह से मेरे सामने ऐसी फोटोज आती है। लेकिन नॉर्मली बहुत ही ये ईजिली मिल जाता है ये। तो इधर देखिए जी जितना बेस मुझे चाहिए था मैंने ले लिया है, और बाकी के बेस को देखिए मैंने ऐसे अच्छी तरह से रैप कर दिया है। उसी प्लास्टिक को मैंने फोल्ड कर कर ऊपर मैंने रबड़ बैंड चढ़ा दिया है, तो इसको मैं वापस से इसकी पैकिंग में डालकर ऐसे ही रख दूंगी। और इसके हम अभी छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे।
तो बेस को मैंने जी पीसेस में कट कर लिया है, विटामिन सी सोप बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक लिया है जी ये ऑरेंज, और दूसरा मैंने लिया है जी लेमन। दोनों ही विटामिन सी से भरपूर होते हैं, आप चाहो तो इनमें से एक चीज ले सकते हैं। अगर आप नींबू ले रहे हैं तो आप 2 से 3 नींबू ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑरेंज ले रहे हैं तो ऑरेंज हमें एक ही काफ़ी है जी। ये अच्छे बड़े साइज का ऑरेंज है ये, और इनका क्या करेंगे जी, हम छिलका निकाल कर मिक्सर का जो छोटा जार रहता है ना मसाले वाला, उसमें हम डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे दोनों चीजों को। इधर है जी देखिए अपने ऑरेंज के छिलके, ये मैंने हाथ से ही निकाल लिए थे एक्चुअली, और बाकी ये है अपना ये लेमन, और लेमन को मैंने छुरी से ही इसका छिलका निकाल लिया था। और ये थोड़ी सी मैंने इधर ना कच्ची हल्दी ली है, कच्ची हल्दी इसलिए ली है मैंने क्योंकि इसमें से ना मैं एक आधी सोप हल्दी वाली भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ऑरेंज और हल्दी की सोप बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी वो सोप, तो इसीलिए मैं अपने लिए ये स्पेशल हल्दी डालकर सोप बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने ये इसको मैं ना कद्दूकस कर दूंगी बाद में, इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी आगे आगे जैसे भी करूंगी। और ये ग्राइंड करने के बाद देखिए जी कुछ ऐसी हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ना, एकदम माइंड है ना जो फ्रेश हो गया है, ये इसकी ऑरेंज और लेमन की जो खुशबू है ना मिक्स होकर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अभी हम क्या करेंगे जी, हम ये सोप बेस को डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट करेंगे। डबल बॉयलर मतलब कि हम इधर देखिए एक बर्तन में हमने इधर पानी डाला हुआ है और दूसरे बर्तन में हम इधर सोप बेस डालेंगे, और बर्तन को इसके अंदर ऐसे रखेंगे और सोप बेस को हम मेल्ट करेंगे। तो पानी उबलना शुरू हो गया है जी, हम अभी बर्तन को इसके अंदर रख देते हैं और साथ साथ में हम हिलाते भी जाएंगे इसको। तो देखिए आपको ऐसे ही इसको मेल्ट करना है सोप बेस को, अगर आप डायरेक्ट आग पर इसे पैन को रखेंगे ना तो ये जल जाएगी, इसके पैन को चिपक जाएगी जो कि सही नहीं रहेगा हमारी सोप बनाने के लिए। तो इधर हमारी सोप बेस मेल्ट हो रही है जी, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। और देखिए ये सोप बनाने के लिए ये मैंने कटोरियाँ ली है, कुछ आपके पास अगर ऐसी कटोरियाँ हैं तो आप ले लीजिए, नहीं तो फिर टिफ़िन के अंदर जो हमारी छोटी डब्बी रहती है आप वो ले लीजिए। इसके अंदर हम थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालकर इसको ग्रीस कर कर रख देंगे, और बाकी इसमें हम डालेंगे जी विटामिन ई के कैप्सूल, 4 कैप्सूल लिए हैं मैंने इधर, और बाकी इधर लिया है जी मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल, आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने वो ले लिया है जी। और उसके बाद देखिए ये मैंने अपनी जो हल्दी वाली सोप बनानी थी उसके लिए मैंने हल्दी ये ग्राइंड कर कर रख ली है। तो चलिए जी देखिए सोप बेस हमारा मेल्ट हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे विटामिन ई का कैप्सूल। तो देखिए अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसकी जगह पर आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो आलमंड ऑयल अगर आप डालेंगे तो 1 चम्मच के करीब ही डालना, एक छोटा चम्मच जो रहता है बस वो डालना। तो इसमें देखिए जी मैंने ये 4 विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं, तो इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच मतलब 1 टीस्पून इसमें एलोवेरा जेल डाल दूंगी। अगर आपके पास एलोवेरा जेल दूसरी फ्रेश अगर आप डाल सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन मेरे पास क्या है ना अभी टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने ये रेडीमेड जो एलोवेरा जेल होती है वो डाल दी है इसमें। ये रही जी हमारी एलोवेरा जेल, इसको अच्छी तरह से अभी मिक्स कर देते हैं हम लोग। और बाकी ये जो हमने इसका ऑरेंज का ये जो मिक्सर बनाकर रखा था ऑरेंज और लेमन का, इसमें ये डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी हमारी ये जो ऑरेंज हमने डाला था अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, और अभी हम जल्दी जल्दी से ये कटोरियों में शिफ्ट कर देंगे इसको। और ये आपको काफ़ी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि ये सोप बेस है ना जो बहुत ही जल्दी जमना शुरू हो जाती है। तो देखिए ये मैंने 2 तो मैंने ऑरेंज सोप बना ली है, अभी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। तो ये देखिए ये हमने जो हल्दी ग्राइंड कर कर रखी हुई थी इसको डालकर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए मैंने हल्दी डाल दी है इसमें, और इसका कलर देखिए जी कितना चेंज हो गया है हल्दी डालने से। लेकिन हमें कलर वलर से कुछ नहीं लेना, ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए 2 कलर की हमारी सोप बन गई है, ये है जी 2 हमारी हल्दी वाली और 2 है जी हमारी ऑरेंज और नींबू वाली। तो ये थोड़ा सा बच गया है इसका, ये भी जाने दो इसमें ही डाल देती हूँ, थोड़ी बड़ी सोप बन जाएगी मेरी।
तो अभी हम जी इसके बाद इनको ना जमने के लिए रख देते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, पता नहीं कितना टाइम लगता है इसको जमने में। लास्ट टाइम मैंने सर्दी में बनाई थी तो 15 से 20 मिनट ही लगे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट या फिर आधा घंटा लगता है सर्दी के दिनों में इनको अच्छी तरह से जमने के लिए। अभी गर्मी है तो देखते हैं हम कितना टाइम लगता है। तो चलिए इनको अभी जमने के लिए रख देते हैं और मैं मिलती हूँ आपको बाद में। तो ये सूप को आप प्लास्टिक में अच्छी तरह से रैप कर कर स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो ये रही जी हमारी विटामिन सी सूप, ये मेरी हल्दी वाली है, देखिए वो दूसरे वाली ऑरेंज और लेमन वाली है। तो देखिए मैं आपको ये यूज़ कर कर दिखा रही हूँ और इसकी झाग कैसे बनती है आपको वो भी दिखाती हूँ मैं अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छा, मतलब इसको अगर हम यूज़ करने लग जाए ना एक बार तो बस फिर इसकी आदत ऐसी पड़ती है ना कि कुछ अच्छा ही लगता है इसके बाद। तो इसलिए मैंने अपने फेस वॉश वगैरह सब छोड़ रखे हैं, तो अभी मैं सिर्फ यही सोप यूज़ करती हूँ। तो देखिए झाग भी इसकी देखिए अच्छी बन रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी झाग नहीं बन रही। तो चलिए जी आज की वीडियो को करते हैं इधर ही एंड। आप भी ज़रूर ट्राई करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन दबा देना। मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जी। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।